नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम निगम। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, लिहाजा उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर है कि समय पर आने को तैयार ही नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लापरवाह रवैया अपनाए सूबे की कमलनाथ सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आजाद भारत की यह भी एक त्रासदी है। आप भी देखिए खरगापुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत की यह स्पेशल रिपोर्ट। खरगापुर में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही है। इसके अलावा दूर दूर तक यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है। इस कारण लोग इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने के लिए आते तो हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों का मनमाना व लापरवाह रवैया मरीजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हमारी टीम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो अस्पताल में कई महिलाएं प्रसव के लिए आई हुई थीं, लेकिन अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए न ही कोई महिला डॉक्टर और न ही कोई पुरुष डॉक्टर था। यहाँ डॉक्टर के अभाव में प्रसव के लिए आई महिलाएं दर्द से तड़पती रहती हैं और बिना समुचित देखभाल के कई महिलाओं को बच्चों को जन्म देना पड़ता है। यहाँ पर केवल एक दाई मिली जिसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गर्भवती महिलाओं के साथ आई महिला से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी बहू ने रात में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सुबह तक कोई टीका भी लगाने नहीं आया और न ही कोई डॉक्टर उनके बहू और बच्चे को देखने आए हैं। तो यहाँ आए तो ये है ना भाई मैडम दाई है, उसी ने नारा छीना है, उसी ने देखावाली करी है, उसने अच्छी तरह से देखावाली करी है अच्छी तरह से। सिस्टर, लेकिन सिस्टर नहीं आई, सिस्टर ने कोई ने ना देखा अभी, या अभी टीका ने कभी नहीं लगाया है, ना कुछ पूछा भी नहीं है। अस्पताल में किसी मरीज को खाने की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों के परिजन बाहर से खाना लाने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार अस्पतालों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं आखिर क्यों ठप्प पड़ती रहती हैं? भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी कहीं ना कहीं अपने पेशे के प्रति लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना यह है कि यह रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही करता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। सड़क सुरक्षा के तमाम प्रयासों के बावजूद भी दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। चित्रकूट में कामता नाथ की परिक्रमा करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में दंपत्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज से चित्रकूट के अमावस्या मेले में कामता नाथ के दर्शन और परिक्रमा करने आए क्रांति पाठक अपनी पत्नी पिंकी पाठक को लेकर वापस प्रयागराज जा रहे थे, तभी रायपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे के पास मऊ की ओर से तेज गति से आ रहे बाइक सवारों ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।